5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करेरा स्थित स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल में भी विश्व पर्यावरण दिवस का उत्साह पूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर APS निम्बांडिया उप महानिरीक्षक स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के महत्व को समझाना है और लोगों को जागरूक करना है। मानव लगातार अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को दूषित कर रहा है, जिसके प्रतिफल में प्रकृति धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। मानव को ये समझना होगा कि स्वच्छ पर्यावरण से ही जीवन संभव है। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध बने, ताकि हमारी भावी पीढ़ी निरोगी जीवन जी सके। उन्होंने वन्य जीवन के मानव जीवन के साथ परस्पर संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये मानव जीवन का आधार है, इसका संरक्षण हमारा दायित्व है। उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व को भी सबके साथ साझा किया। इस अवसर पर APS निम्बांडिया उप महानिरीक्षक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ने सबका आह्वान करते हुए कहा कि आइए हम सब पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प करें। इस अवसर पर संस्थान में बच्चों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर आधारित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विमलेश निम्बाडिया चीफ पैट्रन हवा के द्वारा इन प्रतियोगिताओं में स्थान अर्जित करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। संस्थान के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर यह आयोजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए, मुझे मौका मिला। आज का जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण का मतलब क्या है। बड़ी बड़ी इसमें परिभाषाएं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, रिसर्च स्कॉलर्स ने काफी रिसर्च किया इस विषय में, लेकिन साधारण सी भाषा में हम केवल यही समझ सकते हैं, पर्यावरण का अर्थ है हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। मैं बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा चुन्नू मुन्नू जैसे में। एक पहले बहुत एडवर्टाइजमेंट आता था कि शेर खत्म हो गए तो बिजली भी नहीं है, तो कोई लिंक नहीं ना इस चीज का। तो कोई बता सकता है बच्चा कि शेर का और बिजली का क्या लिंक है, क्या इसका आपस में संबंध है? बचाओ बच्चे, कुछ भी सोचा है? बताओ सर, जो भी दिमाग में आता है बताओ। हाँ बताओ, सब बताओ। वेरी गुड, बताओ। मतलब व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ ए लाइन एंड ए फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिफरेंस है, मतलब इनमें क्या लिंक है? वेरी गुड। बहुत ही 500 रुपये दे दो बच्ची। जो बच्ची ने कहा, इसको थोड़ा और मैं समझा देता हूँ कि जंगल में जब शेर रहेगा तो लोग जंगलों में जाना कम करेंगे, जब जंगलों में जब कम जाना करेंगे तो पेड़ जो है ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। जब पेड़ बड़े होंगे तो उससे क्या है, बारिश आएगी। जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, पानी से बांध आएगा और बांध से बिजली। तो ये एक ऐसा ये आया था शुरू शुरू में एडवर्टाइजमेंट, यदि आपको ध्यान हो 10-15 साल पहले। तो इसका कोई ना कोई एक लिंकेज है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है कि हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अभी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं आपके पास, मतलब जब जिंदगी में पहली बार में पहली पेंसिल चुला कर आया था, उस वक्त यदि तू मुझे थप्पड़ मारती तो आज मैं फांसी पर नहीं जाता। तो इसलिए बच्चों का व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट है वो माँ ही शुरू करती है और कोई नहीं करता। तो बच्चों की किसी भी चीज में आप प्रोत्साहित ना करें। यदि कोई गलत काम हो रहा है उसको वहीं डांटें कि नहीं बेटा गलत है, हो सकता है वो थोड़ी टाइम के लिए उस टाइम के लिए अच्छा लगे आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल बाद वो बच्चे अंदर आदत पड़ जाएगी, वो आदत पड़ जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सलाह है कि अच्छी चीजें बच्चों को सिखाओ और अच्छे कंपटीशन में आना सिखाइए। जब ये बच्चे यहाँ आएंगे, आगे भाषण प्रतियोगिता वगैरह की होती रहेंगी, उनमें बच्चों को आगे डिबेट में करना है, बोलना सीखना चाहिए। मुझे याद है 4th क्लास में मैं पढ़ता था तो पहली बार मेरा नाम प्रेयर में, हम केंद्रीय विद्यालय बरेली में पढ़ा था, मैं मेरठ में भी पढ़ा KVDRC में, तो मेरा नाम हो गया जी वो आज जाके समाचार पढ़ना है, न्यूज रीडिंग होता ना बच्चों का,
अब वो न्यूज रीडिंग पैर भी काट रहे, हाथ भी काट रहे, कैसे बोलूं, काम कभी कभी छूट रही थी, बच्चे चुन्नू मुन्नू तो होते ही है। लेकिन फिर मौका मिला, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और आज आपके सामने बोल रहा हूं मैं। तो वो डर सभी को लगता है, जो ये बोलता है मुझे डर नहीं लगता, झूठ बोलता है। सच्ची बात ये है। तो बच्चों को बोलना चाहिए, धीरे धीरे डर लगेगा, कोई बात नहीं, इसी से आत्मविश्वास आता है। और एक दिन आप आने वाले समय में जब बच्चों को यहाँ बोलना सीखेंगे, करना सीखेंगे, कंपटीशन सीखेंगे, यही चीज आपके लाइफ में आएंगी और आप हर कंपटीशन को सक्सेस होंगे। तो पर्यावरण,